अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? तो आज मेरा बेटा फाइनली हम लोग न्यू चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत 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 मज़ेदार चैप्टर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैकेनिक्स के बारे में बताना कि ऑब्जेक्ट्स मूव क्यों कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किस तरह नहीं कर रहे, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो आज का बड़े मज़ेदार टॉपिक है, एक्चुअली फिजिक्स का नाम यही है, मैटर एनर्जी और इसके इंटरेक्शन के बारे में बताना कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो अब मेरे बेटे, सबसे पहले तो मैं चैप्टर के नाम को क्लियर करता हूँ कि वर्क एंड एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क। वर्क वैसे सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं काम को, और एनर्जी जैसे मुझे बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, आपको सुनने के लिए भी एनर्जी चाहिए, आपको चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, आपको लिखने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले फिजिक्स की में हम किस चीज को वर्क कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि मैं एक लकड़ी का ब्लॉक ले लेता हूं, अगर इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई की जाए इसको मूव करवाने के लिए ए से किसी पोजिशन बी तक, तो ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाए और ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करे। मेरे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ऑब्जेक्ट मूव करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है, अगर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है तो उस वक्त हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को नाम देते हैं वर्क का। तो ये पता चल गया कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है। आप लोगों ने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं एनर्जी की। मैं सिर्फ डिटेल में नहीं जा रहा, अभी फिलहाल चैप्टर का नाम क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद वर्क पे डिटेल में बात करते हैं। एनर्जी काम करने की एबिलिटी को, वर्क करने के लिए जो चीज आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को नाम दिया जाता है एनर्जी का। तो यह था बेटा हमारे पास चैप्टर का नाम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं डिटेल में कि किस चीज को नाम दिया जाता है वर्क का। मैं इसको एक दफा रेज कर रहा हूं। तो मेरा बेटे, व्हाट इज वर्क, वर्क किस चीज का नाम है, उस पर एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक आ रहा है आपके पास, वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स। कॉन्स्टेंट वर्ड से बड़े अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक ही फोर्स के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे। लगे 5 न्यूटन है तो वो 5 न्यूटन ही रहेगी, 10 न्यूटन नहीं होगी। वर्क डन, हम यहां पे सबसे बड़े ज्यादा एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास एक ब्लॉक है, आपने इस ब्लॉक को पुल करना है, खींचना है, इस तरफ आप लेके जा रहे हो, डिस्प्लेस क्या कर रहे हो, अब यहां ए से बी की तरफ मूव कर रहे हो, और यहां पे आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। जैसे कि लकड़ी के ब्लॉक को रस्सी से खींचा जाता है, आप खुद देखो क्या इसी तरह का कोई एंगल बनेगा कि आपने ये रस्सी यहां पे बांधी और आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करे। तो इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, यहां पे बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाए और ऑब्जेक्ट आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर करे, और दूसरी कंडीशन थी कि डिस्प्लेसमेंट तो कवर करे लेकिन उस तरफ जिस तरफ फोर्स लगाई गई है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मेरा बेटा, हम उसको नाम देते हैं वर्क का। अब यहां पर देखें, कुछ ना कुछ एंगल भी बन रहा होगा, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही। अभी हमने कहा ऑब्जेक्ट मूव तो करे बट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप खुद यहां पे अगर गौर फरमाएं तो आपकी डायरेक्शन की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं ए टू बी, ये दरमियान में कोई एंगल थीटा है, मतलब किसी एंगल से आप उसको मूव करवा रहे हो, नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस, बिल्कुल ए बी के ऊपर फोर्स नहीं लग रही। जैसे कि आप किसी भी चीज को बिल्कुल जमीन के साथ खींचने की कोशिश करो
उस वक्त तो एग्जैक्ट उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से रस्सी से इस तरह खींच रहा हूं तो मेरे बेटे ऑब्जेक्ट को इस तरफ आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। इट मींस कि फोर्स नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस, नॉट अलोंग द वाई एक्सिस। यहां पे वर्क एग्जैक्टली एक्स के अलोंग नहीं आ रहा, तो हम यहां क्या करते हैं, फोर्स को हमेशा उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। आपको बड़े अच्छे से पता मेरा बेटा कि एक्स कंपोनेंट को नाम दिया जाता है एफ एक्स का और वाई कंपोनेंट को नाम दिया जाता है एफ वाई का। हमने फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब आपको पता है वर्क हो किस तरफ रहा है, क्या ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बिल्कुल नहीं मूव कर रहा। ऑब्जेक्ट तो जा रहा है ए टू बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट तो सीधा मूव कर रहा है, आप उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स के अलोंग मूव कर रहा है। वाई के कंपोनेंट का किसी किस्म का यहां पे कोई काम नहीं है। आपको बड़े अच्छे से पता है कि एफ एक्स किसके कुल होता है बेटा, एफ कॉस थीटा के। एफ एक्स किसके कुल होता है, एफ कॉस थीटा के। अब एफ साइन थीटा वाई के अलोंग किसी किस्म की कोई मोशन नहीं है, तो इसलिए इसका वर्क में किसी किस्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इसका वर्क में काम में किसी किस्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मैंने एफ एक्स फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ गई एफ कॉस थीटा, और यहां पे ये इन अ स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं ना स्ट्रेट लाइन, तो आपके पास डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं लिख लेता हूं एफ कॉस, वर्क मेरे पास किसके को आ गया बेटा, आपने कहा था वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी जो मेन बात हमेशा याद रखनी है वो ये है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट मूव करे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो किसी किस्म का वर्क नहीं होगा। उसकी एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूं। वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वर्ड आपको जरूर मेंशन करना होगा डेफिनेशन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आ गया आपके पास वर्क। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मेरे पास आ रहा है एफ कॉस थीटा डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो आपने इस तरह की कोई बात पढ़ी होगी, वर्क इज अ स्क्वेलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है दो क्वांटिटीज के दरमियान, दो वेक्टर्स के दरमियान, तो वो क्या आता है एफ कॉस थीटा। वो क्या आता है बेटा, एफ कॉस थीटा। अब क्या बन गया, एफ डी कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में एफ डॉट डी। अब इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन आ गई, वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो मेरा बेटा अभी तक जो मेनली हम लोगों ने काम किया है वो इसकी डेफिनेशन को क्लियर किया है कि एक्चुअली वर्क कहते किसे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना। जैसे कि ये मेरे पास एक डस्टर है, अब इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां पे इसको जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊं, अगर ऑब्जेक्ट मेरा उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वर्क है, अदरवाइज वर्क नहीं है। एग्जांपल, आपके हाथ में पानी की एक बाल्टी है, बाल्टी है, बकेट है, जो भी आप कहते हो, आपने उसको ऊपर उठाया, इनिशियली ये बकेट है आपके पास, आपने उसको ऊपर लिफ्ट किया, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई, अब ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों के दरमियान एंगल अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, जीरो डिग्री। यहां पे भी ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे, लाइक ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और इसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे, तो एंगल क्या आएगा, जीरो। और मेरे बात अच्छे से मेरे बेटा आपको पता होता है कि कॉस जीरो जब भी लिया जाता है तो आंसर आता है वन, मतलब मैक्सिमम। कि अभी हमने यही बात की थी ना कि ऑब्जेक्ट पे वर्क उस सूरत में होगा जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में अपना डिस्प्लेसमेंट कवर करे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ये तो डेफिनेशन दी, मैथमेटिकली हमने फॉर्मूला बनाया एफ कॉस एफ डी कॉस थीटा।
अब यहां पे आप खुद ये बात करते हो, अगर बकेट को बाल्टी के ऊपर की तरफ उठाया गया, उसने मूव भी ऊपर की तरफ किया, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान यहां पे एंगल क्या आ रहा है, जीरो। मैं यहां पे जब अपने फॉर्मूला में कोस जीरो पुट करता हूं तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। इट मींस के मेरे पास वर्क आ गया मैक्सिमम। वर्क मेरे पास क्या है, आपके पास मैक्सिमम मेरा बेटा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसके बाद इनिशियली बात की थी, अगर आप पानी की बाल्टी को उठाए स्टिल मूव करना शुरू कर देते हो, अब ये देखो आपने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, पानी की बाल्टी मैंने ऊपर की तरफ उठाई है लेकिन मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं। अब बताएं, ये फर्ज करें पानी की बाल्टी ऊपर की तरफ उठाएगी, आप इधर जा रहे हैं, तो दरमियान में एंगल कितना बन रहा है भाई, 90 डिग्री का। मैंने खुद अभी ये बात की थी कि वर्क तब होगा जब फोर्स उस डायरेक्शन में लगाई जाए या ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करे, उस तरफ जाए जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं। अभी वर्क फिर होना ही नहीं चाहिए, वर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। हम अपने फॉर्मूले से प्रूफ करते हैं कि वर्क यहां पे जीरो होना चाहिए, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ पानी की बाल्टी को उठा के, अब मूव करना शुरू कर दिए और जाप रहे हैं बिल्कुल पैरेलल, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या आ गया बेटा, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री आएगा फॉर्मूले में, अगेन देखें कोस 90, तो कोस 90 अपने कैलकुलेटर पे देखो तो आंसर आएगा आपके पास जीरो। इट मींस कि किसी किस्म का कोई वर्क नहीं होगा। आप इस बात में अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें कब वर्क होगा और कब वर्क नहीं होगा। अभी फिलहाल ये बात की है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये बातें बात की हैं। फिलहाल इतना बताएं कि वर्क कब है और कब नहीं है, वर्क पॉजिटिव कब होगा और वर्क नेगेटिव कब होगा, बात में बाद में करूंगा। फिलहाल आपको यह चीज क्लियर हो गई कि वर्क व्हाट इज वर्क, वर्क होगा कब और वर्क कब नहीं होगा, ये चीजें मेन थी हमारे लिए, मेनली जो हम लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में। मेरा बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं नेक्स्ट इसको मजीद डिटेल में जाके एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरा बेटा मैं इसको जरा रेस कर देता हूं, अब थोड़ा सा साफ कर लें। दो कंडीशन याद रखनी है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट मूव भी करे। यार अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, डी की वैल्यू, किसी किस्म का कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ, डी जीरो होगा। किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। जी बेटे, जो मैंने ये वाली डायग्राम बनाई है उसमें मैंने आपको यह बताया कि इनिशियली जब मैं एक बाल्टी को ऊपर की तरफ उठाता हूं, ऊपर की तरफ उठाएं, आप खुद इमेजिनेशन करें, आपने बाल्टी के ऊपर फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, बाल्टी भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो दोनों में एंगल जीरो है, उस वक्त इनिशियली वर्क होगा। लेकिन अगर आपने पानी की बाल्टी को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया, तो पानी पे बाल्टी के ऊपर जो फोर्स लग रही भाई वो ऊपर की तरफ है, जो डिस्प्लेसमेंट मेरे बेटे कवर हो रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है, अब इन दोनों के दरमियान एंगल आ रहा है 90 डिग्री। बाय डेफिनेशन वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये बनेगा एफ डी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहां पे जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, 90 डिग्री, तो एफ डी इंटू नॉट जीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा वर्क जीरो। वर्क डन 90 के एंगल में क्यों नहीं होगा बेटा, मैं दोबारा से ये चीज बता रहा हूं कि वर्क के लिए, फिजिक्स में वर्क के लिए कंडीशन है, शर्त है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ, ऑब्जेक्ट को देखो फोर्स लगाते तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब जब ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगी, एक बॉल है इसको मैंने डिस्प्लेस किया, मैंने राइट की तरफ फोर्स लगाई और ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वर्क होगा कि भाई मैंने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, इसको हम वर्क कहते हैं फिजिक्स में इस चीज को। हाँ, अब ये बात सच है कि भाई पानी की बाल्टी में ऊपर की तरफ उठाऊं, पानी की बाल्टी इस तरफ लगाऊं, मेरी तो एनर्जी लग रही है ना, वर्क हो रहा है। लेकिन फिजिक्स में वर्क उस चीज को कहते हैं, उसके लिए शर्त रखी गई है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। मतलब यहां पर जिस डायरेक्शन में डी है उसी डायरेक्शन में क्या हो, एफ। दोनों के दरमियान एंगल क्या आएगा, जीरो, और कोस जीरो क्या होता है, वन। और ये कोस क्यों आता है, ये लोग हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। इसी तरह मेरा बेटा अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसे कि
यहां पे 90 है। आपको ये बात पता चल गई जब वर्क मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहां पे ये दो बातें मैं लिखने लगा हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री आ रहा है, तो हमारे पास ये चीज हमें प्रूव हुई थी कि cos 0 1 होता है तो हमारे पास वर्क की वैल्यू मैक्सिमम आती है। वर्क की वैल्यू क्या आती है? मैक्सिमम। आप भी पुट करके देख लें, कोई भी फोर्स लें, कोई भी डिस्प्लेसमेंट लें, दरमियान में आप cos 0 रखें, आपके पास आपका आंसर मैक्सिमम आएगा। इसके अलावा 0 से बढ़ाते जाएं, आंसर कम होता जाएगा। अब ये करें, अगर एंगल 90 डिग्री हो तो मेरे बेटे बड़े अच्छे से आपको पता है कि cos 90 पुट करूं मैं यहां पे, अब अपने कैलकुलेटर पे देखें cos 90 तो आंसर क्या आएगा? 0। तो वर्क भी क्या हो जाएगा? 0। अब ये बात फिजिक्स में वर्बली भी प्रूव हो चुकी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ अगर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे इट मींस वर्क है। अगर मैं ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहे या फिर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही, दोनों के दरमियान ऑपोजिट एंगल आ रहा है, लाइक दोनों पैरेलल नहीं है, 90 का एंगल है, तो वर्क उस वक्त क्या होगा? 0। क्योंकि वो कंडीशन, वो शर्त को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि उस डायरेक्शन में जगह है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो अब मेरे बेटे 90 पुट किया तो हमारे पास ये चीज प्रूव होगी कि वर्क की वैल्यू आएगी मिनिमम। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि फर्ज करो अगर एंगल 0 और 90 के दरमियान आ जाए तो उस वक्त आपके पास अगर कोई भी वैल्यू देख ले, 60 पुट करके देखें, 70 पुट करके देखें, 80 पुट करके देखें, लेस देन 0 मतलब आ जाएंगे, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा। जैसे ही आप देखोगे आपके पास एंगल लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, एंगल थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा छोटा एंगल यहां पे आ रहा है 90 से पहले, तो आपके पास वर्क का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। वर्क की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। कोई भी एंगल पुट करके देख लो। और अगर आप 90 से भी बढ़ जाते हो मतलब 0 के भी बाद जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि वर्क कब पॉजिटिव होगा, वर्क कब नेगेटिव होगा, वर्क कब मैक्सिमम है और वर्क कब मिनिमम है। अगर आप देखें पेज नंबर 78 पे लास्ट में फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क वी फाइंड दैट, ये और दूसरी ये बात, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मेरे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू वेक्टर क्वांटिटीज, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास वर्क आ रहा है इसको डब्ल्यू से डिनोट कर दें, इसके ऊपर मैंने कहीं भी एरो नहीं लगाया, इट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मेरा बेटा एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क मैंने कहा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वगैरह वगैरह, काम करने की सलाहियत को ही हम एनर्जी का नाम देते हैं, तो ये भी एनर्जी की फॉर्म है, और एनर्जी की कोई भी फॉर्म आ जाए उसका इंटरनेशनल यूनिट हमेशा जाउल होता है जिसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी की कोई भी फॉर्म आ जाए उसका यूनिट हमेशा जाउल होता है जिसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मेरे बेटे ये जाउल किसके इक्वल है? अगर मैं लिखना चाहूं 1 जाउल इज इक्वल टू, फोर्स की जगह लिख लें 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख लें 1 मीटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, यहां पर मैं ये बात करूं, 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए और ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में उस तरफ ही कवर करे जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई है, ये भाईजान मेरे पास 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, या 1 केजी के लिए 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, मैं इसका 1 केजी, अगर मैं इसमें 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, 1 न्यूटन फोर्स लगाने से अगर ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है इट मींस कि मैंने उस पर कितना वर्क किया? 1 जूल। तो यहां तक तो मेरा बेटा था कि वर्क 0 कब है, वर्क मैक्सिमम कब है, वर्क पॉजिटिव कब है, वर्क नेगेटिव कब है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और उसका यूनिट क्या होता है। अब एक बहुत ही मजेदार शॉर्ट क्वेश्चन है, हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, क्योंकि यहां पर अब मजेदार बात आती है कि टॉपिक का नाम था वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स, कि जो अप्लाइड फोर्स है वो दो तरह से हो सकती है, एक तो आप 5 न्यूटन से ऑब्जेक्ट को धक्का लगाई जा रहे हो, मूव करवाई जा रहे हो, और एक वक्त है कि आपने फोर्स लगा के छोड़ दिया, या कभी फोर्स लगाते हो कभी नहीं लगाते, तो दो तरह की, वेरिएबल फोर्स भी हो सकती है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है जो ना बदले, और वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें तब्दीली आती रहे, जिसमें तब्दीली आती रहे।
अब मेरा बेटा हमारे पास थी फर्स्ट टॉपिक में कॉन्स्टेंट फोर्स. अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, कौन मेरा तो दिल नहीं कर रहा इसको रेस करने को, खैर तो अगर मैं बात करूं कि इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो यहां पे कर लेते हैं कि भाई इसका ग्राफ कैसे आएगा. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ बनाते हैं. एक एक्स एक्सिस ले लिया जी, और एक आपके पास आ गया वाई एक्सिस. हमने डिस्टेंस को, या जो डिस्प्लेसमेंट हम कह रहे हैं डी, इसको ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे, ये ओरिजिन है, और वाई एक्सिस पे हमने ले ली फोर्स. मैं दोबारा से ये बात रिपीट करना चाह रहा हूं कि मेरे टॉपिक का नाम था फोर्स या वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स. कॉन्स्टेंट फोर्स जो फोर्स ना बदले, लाइक यहां पे कोई फोर्स है 15 न्यूटन, यहां पे डिस्टेंस कवर हो रहा है 10, 20, 30, 40, 50. During the whole distance, during the whole traveling, पूरे फासले के दरमियान, पूरे distance के दरमियान आपकी force में किसी किस्म का कोई change नहीं आया. Suppose आपने 15 से move कर दे, 15 लग रही है force, यहां तक गए, ठीक है, आप इसको फिर यहां से एक एक्सिस की वैल्यू इससे भी मिलवा दोगे, आपने यहां तक ये distance cover किया by a constant force. Work done by a constant force का graph है ये, और इसके अलावा ये बदलेगा नहीं. अगर 15 पे है तो 50 अब 20 रख लो, 30, लेकिन ड्यूरिंग द होल डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस में तब्दीली आ रही है, वाई के लिहाज से फोर्स में तब्दीली आनी थी, मैंने इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं लाया. 10 पे भी 15 पे हूं, 20 पे भी 15 पे भी हूं, 30 पे भी 15 पे हूं, 40 पे भी 15 पे भी हूं, और 50 पे भी 15. वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स. तो अब मेरे बेटे आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये ग्राफ आ रहा है F और D के दरमियान, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हो तो वो होता है हमारे पास इक्वल वर्क के. हम यहां पे देखें इस ग्राफ का, अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना हो, आपको बड़े अच्छे से पता बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन में या ये सारी चीजों में हम हमेशा ग्राफिकल इंफॉर्मेशन से एरिया निकालते हैं. अब एरिया इसका किसके इक्वल आएगा बेटा, आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, फोर्स लेंथ मल्टी, ये रेक्टेंगल बन रही है आपके पास, रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ये लेंथ कंसिडर कर लो, ये भी कंसिडर कर लो, ये भी डी है, ये भी डी है, वाई के अलोंग एफ है तो इधर भी एफ है, एक्स के अलोंग डी है तो इधर भी डी है, कोई सी दो, एक लेंथ और एक ब्रेथ ले, तो क्या बनता है बेटा एफ इंटू डी. तो ग्राफिकली भी, ग्राफ की सूरत में भी, अगर आप वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स निकालो उसका एरिया, क्योंकि ग्राफ में क्या निकालते हैं बेटा, हमेशा एरिया अंडर द ग्राफ, हमेशा क्या निकालते हैं एरिया अंडर द ग्राफ. जब मैंने वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स किया तो मैंने देखा कि मेरा जो ग्राफ था वो रेक्टेंगुलर शेप की फॉर्म में आ रहा है, और रेक्टेंगुलर का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो एफ इंटू डी विच इज इक्वल टू वर्क. तो ये बात थी बेटा, आज का टॉपिक यहां तक खत्म होता है कि सबसे पहले व्हाट इज वर्क, वर्क कहते किसे हैं, क्या शर्त है, वो शर्त को पूरी कर रहा है, उस कंडीशन पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो इट मीन्स देयर इज अ वर्क, अदरवाइज वर्क की वैल्यू क्या होगी बेटे, जीरो. इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन वर्क विल बी मैक्सिमम, इफ द एंगल इज 90 डिग्री देन द वर्क विल बी मिनिमम मीन जीरो, इफ द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री द वर्क विल बी पॉजिटिव, इफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री द वर्क विल बी नेगेटिव, एंड द ऐसे यूनिट ऑफ द वर्क इज न्यूटन मीटर विच इज नाउन एज जाउल. 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल. और उसके बाद हम लोगों ने ग्राफिकली भी ये चीज प्रूव कर दी, देन एरिया अंडर द ग्राफ निकाला, वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स. कल हम लोगों का टॉपिक होगा कि भाई अगर ड्यूरिंग द डिस्टेंस ए से बी तक जाने में अगर फोर्स बार बार चेंज हो रही है तो उस वक्त हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे. जी ये शॉर्ट के लिहाज से तो मेरा बेटा जो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने टॉपिक्स, फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, एंड द नेक्स्ट वन इज वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड. ये तीनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें. जी बिंते बेटा क्या क्वेश्चन आप लोग पूछे. जी फिलहाल क्वेश्चन पूछा जाए तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, ये जो भी सैयद है
बहुत अच्छी क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप लोगों के सामने रिजल्ट भी है, तो होपफुली क्लास का एनवायरनमेंट भी उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम दो की बजाय तीन की बजाय 10 से 20 लोगों के नंबर 20 आउट ऑफ 20 हो। ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका क्लास में बिहेवियर कितना सीरियस और मेच्योर है। ये बच्चों वाली हरकतें कि जूस पीना, तो बेटा बाद में पी लेना जूस, हमें क्यों बताया जा रहा है? जी, जब मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाई थी आपके पास ब्लॉक वाली, तो बेटे मैंने आप वहां पे फॉर्मूला डिराइव किया था, वो वर्क उस वक्त फोर्स आपकी ऐसे थी, ये चीज, ये ना तो एक्स के अलोंग है, बल्कि ना मतलब ये क्या है बेटा, जीरो, और ना ही ये वाई के अलोंग है, ना ही मतलब ये क्या है 90 डिग्री। ये जीरो और 90 के दरमियान कहीं आ रहा है, इसका मतलब ना तो ये जीरो होगा ना ही ये मैक्सिमम होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो उसके लिए इस फोर्स को, ये देखो ये फोर्स कुछ एक्स के लिहाज से भी आ रही है और वाई के लिहाज से भी आ रही है, इसलिए हम फोर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तोड़ कर देते हैं, जिसे हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। एक्स के अलोंग ये वाई था तो एफ वाई आ गया, और ये क्या आ गया एफ एक्स। फिर मैंने ये देखा कि इसका कौन सा कंपोनेंट, इस फोर्स का कौन सा हिस्सा अफेक्टिव है, जिसका असर हो रहा है, क्या ऑब्जेक्ट लकड़ी का ब्लॉक आपका हवा में उड़ना शुरू हो गया या फिर वो ए से बी पे जाना शुरू हो गया। तो हम लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की कि फोर्स का जो कंपोनेंट एफएक्स है वो असर अंदाज हो रहा है, उसका असर है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, तो इसलिए हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, और अपना वर्क कौन सा लिया एक्स के अलोंग वाला। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता तो तब मैं कहता कि भाई एफ वाई लेते, एफ एक्स है कोई, अब वो कंपोनेंट वो हिस्सा फोर्स का लिया जो अफेक्टिव हो, तो अफेक्टिव कंपोनेंट क्या था एफ एक्स, इसलिए तो मैंने कहा था वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, फोर्स के कंपोनेंट का जो अफेक्टिव हिस्सा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने वही हिस्सा लेना है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। तो वर्क है बेटा, इसलिए तो FD cos थीटा है, अब जो भी एंगल होगा वो पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, बस ये चीज थी, वर्क है। अगर ये एग्जैक्ट 90 होता तो जीरो होता, 90 के अलावा जिसी भी एंगल पे आएगा तो वर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जी, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि ये अगर ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों के दोनों एंगल क्या आ रहा है बेटा जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, और जब थीटा इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वर्क आपके पास क्या आएगा मैक्सिमम। एंड ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज बेटा लास्ट में लिखा हुआ है न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू जॉल, अभी हम लोगों ने यही चीज एक्सप्लेन की थी, वो हम बता देंगे। आपको सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन एक ही दफा लिखवा दी जाएंगी, इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अगर एंगल 90 से ज्यादा हो तो बेटा ये चीज लिखी हुई है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 द वर्क विल बी नेगेटिव, आपका जो आंसर न्यूमेरिकली आएगा उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर वो 90 से कम होता है तो पॉजिटिव होगी, 90 होगा तो जीरो होगी, जीरो होगा तो मैक्सिमम होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मेरे बेटे पूछे। वॉइस गैप हो गई, हो गया बेटे। आप लोगों ने ये पूछा कि आपने एफ डॉट डी के साथ cos थीटा क्यों नहीं लिखा, तो बेटे अगर आपको चैप्टर नंबर 2 याद हो तो आपने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ी थी, जब दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट आ रहा हो तो ये वेक्टर की फॉर्म है,
ये वेक्टर की फॉर्म में लिखा गया है। अगर इसको प्रोडक्ट को खोलना हो, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना हो, तो फिर लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा, कि फोर्स कितने न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितने, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है और ये वेक्टर की फॉर्म है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बट ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है और ये आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो वर्क होगा। यहां पे देखें, डी अगर मैं जीरो पुट कर देता हूं, डिस्टेंस कवर ही नहीं होता, तो जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका हमेशा जीरो आएगा जी। इस टॉपिक के क्वेश्चन आ सकते हैं। कल इंशाल्लाह अगेन हमारी इसी टाइम क्लास होगी 420 से 455। आप लोगों के लिए जो काम है कि आप लोगों ने ये जो लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है ये असाइनमेंट में लिखना होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें चार केसेस लिखे हुए हैं कि वर्क जीरो, मैक्सिमम, पॉजिटिव, नेगेटिव कब होता है, ये चीज़, उसकी डेफिनेशन विद फार्मूला, और ग्राफ में वर्क कैसे कैलकुलेट किया, वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स, ये आपके असाइनमेंट, ये आपका टास्क होगा, ये आपको करना है। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।